ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु, मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मवित्तवरम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जगन्नाथाय ते नमः। ପ୍ରଶ୍ନ ହବ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୋଉ ଭଗବାନଙ୍କର ନାଁ ଜପ କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କର ନାଁ କାହିଁକି ଜପ କରିବା? ଯଦି କୌଣସି ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ପଥର, କୁକୁର, ବୃକ୍ଷ, ଯାହାର ବି ନାଁଟା ଆମେ ଜପ କରିପାରିବା? କାରଣ ଏ ଠାରୁ ଜେଡ ବା ଅ ଠାରୁ କ୍ଷ ଭଗବାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, କୁକୁର ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନାମର ମହିମା, ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଆମେ ବିଚାର କରିବା, ଆମ ମନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସ୍ୱଭାବଟା ଆସିବ। ଏଇ ପ୍ରିନ୍ସିପଲରେ ଏଇ ବିଭୂତି ଯୋଗ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ବିଭୂତୟ, ମୋର ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ବିଭୂତିକୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଦେଖିବ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଚିନ୍ତନ କରିବ, ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ବିଭୂତି ମୁଁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି, ଯାହା ଯାହା କଥା କହୁଛି, ତାଙ୍କ ସେମାନେ ତପସ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ତପସ୍ୟା କରିକି ସେଇ ସ୍ତରକୁ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୁଣ ଆସିବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟେ ସାହିରେ ଭାବନ୍ତୁ, କୋଉ ଗାଁରେ ଲାଇଟ ନଥିଲା, 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି ବହୁତ ଅନୁଭବରେ କହନ୍ତି ଲୋକ କି ଆଜି କଲେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ବହୁତ ବଡ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କୋଉ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର କୋଉ ଗଞ୍ଜାମ ହଉ ବା କଳାହାଣ୍ଡି ହଉ ବା କୋଉ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ବିନା ଲାଇଟରେ, ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଡିବିରି, ଦୀପରେ ମଧ୍ୟ ପଡିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇଟ ଦଉଛି, ସୁନ୍ଦର ମର୍କରି ଲାଇଟ, ସେ ଲାଇଟରେ ତଳେ ଠିଆ ହେଇକି ପାଠ ବି ପଢିପାରୁଛନ୍ତି। ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲା କିଏ? ଆମ ପୂର୍ବ ଲୋକ ଯିଏ IAS ଅଫିସର ହଉ, ଯିଏ ହଉ, ସିଏ ଫୋନ କରିଦେଲା କେବଳ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଏଇ ଗାଁରେ ଲାଇଟ ଚାଲିଯିବା ଉଚିତ, ଗୋଟେ ଦିନରେ ଚାଲି ଆସୁଛି। ଇଫ୍ ଦିସ୍ ଇଜ ଦିସ୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଇଜ ବିଙ୍ଗ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟୁଡ଼, ବୃହସ୍ପତି ତପସ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ତପସ୍ୟା କରିକି ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। କୁବେର ତପସ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ସେ ଧନା ଢକ୍ଷ ହେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତପସ୍ୟା କରୁଛୁ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନଉଛୁ, ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଗୁଣଟା ଆସୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ବିଭୂତି ଯୋଗରେ କହୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ 25 ନମ୍ବରରେ ଯିବା, 24 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଛନ୍ତି, 25 ଯିବା। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଉବାଚ, ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଉବାଚ, ମହର୍ଷୀଣାମ ଭୃଗୁରହମ, महर्षीणां भृगुरहम्, गिरामस्मेकमक्षरम्, गिरामस्मेकमक्षरम्, यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि, यज्ञानां जपयज्ञो,
थावराणाम हिमालयः थावराणाम हिमालयः। 25 नंबर है, चारोटी भगवान कहुचले कौन महर्षिणाम ऋगुः अहम्। ब्रह्मांकर पुत्र होचन सप्तर्षि, आउ जदि तीनटा मिसे देले दसटा पुत्र, मनु क्रतु एवं दक्ष मध्य एवं नारद मध्य। से भीतर भृगु होचन्ते सप्तर्षि भीतर महर्षि भृगु। भृगु रो जदि अर्थ देखिबा ना, भृगु माने भर्जना, जे भलो भाबरे भर्जन करा जायछि, भलो भाबरे से जोटा आम रांधिया कहते जाक आम भाजवा कहते भर्जन मान भाजवा अलग पक्व हो जाइए भ्रगु। सप्तर्षि ये थे स्वयंभुव मनवंतर रे एवं चाक्षुष मनवंतर रे सप्तर्षि थे। भ्रगु पत्नी ही थे ख्याति दक्ष कन्या ख्याति। भृगुंकर दीटा पुत्र थिले, गोटे हे धाता गोटे विधाता। च्यवन मध्य भृगुंकर पुत्र बोली माना जाए। ये भृगु बड़े सर्वश्रेष्ठ, भागवत रे भृगुंक कथा अच्छी कि दिने सब ऋषि माने गोटे भल मीटिंग कल विचार कल कि तीन देवता जो अच्छा त्रिदेव को परीक्षा कर, विष्णु ब्रह्मा और शिव, ये परीक्षा करने क्वेश्चन पेपर किए तैयार करिवे एवं किए जीवे तो भृगु को चयन करागला। भृगुर वैवारुणी ही तैत्र उपनिषद जाओ आपण मान भर ना बहुत लोग बहुत इंटरेस्ट अच्छी शुणा पाई। मत के जन लिखि सारे बिबेक चुड़ामणि आपको शुणु जाओ आपण को इंटरेस्ट अच्छी योग्यता अच्छी ना अलग कथा। 400 भितर जदि 30-40 जन भी योग्यता हो गले भी भल, किंतु समय धैर्य धरतु प्रथम गीताटा सरी जाओ, कारण आप मेट्रिक स्टाण्डार्ड अच्छा आप प्लीज स्वामीजी आप प्लस टू भी पढ़ाऊँ प्लस थ्री भी पढ़ुं मुझे भी पाठ पढ़ी मुझे भी आप क्लास अटेंड करी। वेरी गुड, बहुत सुंदर, दिस इज इंटरेस्ट, कि गोटे सिस्टमेटिक था कोर्स रोटे सिस्टमेटिक था प्रत्येक जिन। तो तैत्र उपनिषद गोटे अच्छे मुटियाल अच्छे से शुणी जो ने तैत्र उपनिषद ब्रह्मानंद भाई चलती 12 प्रकार आनंद क्रम अच्छी से टॉपिक टा मु बर्तमान फेरले नेबी से शुणी पारे। तापर भृगु भाई अच्छी बड़ा सुंदर से तत्व बेचन कर भृगु किए भृगर वै वारुणी भृगु जी वरुण पुत्र वरुणम पितरम उपससार वरुण जी पिता उपससार गले कितने सुंदर अच्छा से पिता मध्य एवं गुरु मध्य उद्दालक एवं श्वेत केतु छांदोग्य उपनिषद पिता मध्य एवं गुरु मध्य। भृगुरु वै वारुणी पितरम उपर पितरम उपससार भगवो ब्रह्मेते। हे भगवान, गुरु को भगवान को आ जाऊता। हे भगवान, मु ब्रह्म कौन जानिया पई चाहछ ब्रह्मेते। तापर से कहिले उपदेश देले ये जो भृगु तंग शिष्य समय तैत्र उपनिषद भृगु बोली आंक ना रे ही आ ये जतले साधना करे के सप्तर्षि हेले महर्षि हेले एवं एमाने समस्त ऋषि माने आंकु डेलीगेट करे यू बी द रिप्रेजेंटेटिव तीन टा देवंगु परीक्षा करिवे श्रेष्ठ किए
ଠିକ ଅଛି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପୁତ୍ର ବ୍ରହ୍ମା ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକରେ। ଆଜି ଆମର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କଥା ହବ 21, 22 ଆଉ 28 4 ଦିନ ହିଁ ବାକି ରହିଛି, 5 ଦିନ ସରିଗଲା। ସେଇଠି ମନ୍ୱନ୍ତର କଥା ଆସେ। ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ କେତେ ମନ୍ୱନ୍ତର ସରିଯାଉଛି ତାର ଗଣନା ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା। ତେଣୁ ଭୃଗୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା ଲୋକକୁ ଗଲେ ପ୍ରଥମେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତିଆରି କରୁଛି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ କଣ କଲେ, ବାପା ସମ୍ମାନ କରିବା କଥା, ପ୍ରଣାମ କରିବା କଥା, ସେ ଜାଣିବୁଝି ପ୍ରଣାମ କରୁନା, କାରଣ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ନା। ତେଣୁ କହିଲେ ବୁଢାଟା ଷଠିଆ ଗଲାଣି, କଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ସେମିତି କହି କହି ଚାଲିଲେ। ପୁରା ବ୍ରହ୍ମା ବିଗିଡ଼ିଗଲେ, ଦାଢି ଧରିଲେ, ପାଡ଼େଇବା ପାଇଁ ବସିଲେ, ଉଠିଗଲେ ଚେଲରୁ। ଦେନ୍ ଭୃଗ କହିଲେ, ପିତାଜୀ ନମସ୍କାର, ମୁଁ କଣ କରିବି, ମୁଁ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା କଲି, ପ୍ରଶ୍ନ ପକେଇଥିଲି, ବାସ ଆପଣ ପରୀକ୍ଷାରେ 0 ଆଣିଛନ୍ତି ଆଳୁ, ହରି ଓମ୍, ପଳେଇଲେ। ତାପରେ ଭାବିଲେ ଶିବଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ପେପର ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ ଗାଳି କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ବସିଛନ୍ତି କୈଳାସରେ, ମାତା ପାର୍ବତୀ ତାଙ୍କର କୋଳରେ ବସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନରେ ଲୀନ। ସେଇଠି ବି କହି ଚାଲିଲେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ହେବେ କି ଜଣ ମତେ ପ୍ରଚାର ନଦେଲେ, ରୁଦ୍ର କୋଉଠୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ, ରୁଦ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏ ବିଗିଡ଼ି ବେଲେ କହିଲେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଶ୍ମଶାନ ବୈରାଗୀ ଦେଖାଉଛେ, ଶ୍ମଶାନରେ ରହୁଛେ, ଦେଖ ଏତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ରଖିଛନ୍ତି, କୋଳରେ ବସଉଛନ୍ତି, ଯାହା କହିବା କଥା କହି ଚାଲିଲେ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ପେପର ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲେ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଇଁ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ କେବଳ କର୍ମ ବୁଢା ଏମିତି କହିଲେ, ଆଙ୍କୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ଆକ୍ଷେପ କଲେ, ଯାହାକୁ ଆଜ୍ଞା ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଆକ୍ଷେପ କରିବ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗିବ, ଦୁଃଖ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଇଏ ତ୍ରିଶୂଳ ଧରିବାକୁ ଲାଗିବ। ଭଗବାନ ଶଙ୍କର କହିଲେ, କଣ ମୋ ଭାଇ ହେଇକି ମତେ ଏମିତି କହୁଛୁ? ଭଗବାନ ମା ପାର୍ବତୀ କହିଲେ, କାହିଁକି ଆପଣ ଲାଗିଛନ୍ତି ଯେ ପରୀକ୍ଷା ତ କରୁନାହାନ୍ତି କଣ? ସତକୁ ସତ ସେ ଆଇଛି। ସେ କହିଲେ, ଭାଇୟା ପରୀକ୍ଷା ମେ ଫେଲ। ତାପରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ପାଖକୁ ଗଲେ, ଭାବିଲେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟିକେ ଟଫ ଦେବ, କେମିତି ଅଧିକାରୀ ଭେଦ ଆଉ ଉପଦେଶ ଭେଦ, ଅଧିକାରୀ ଭେଦରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପେପର ଭେଦ ମଧ୍ୟ, ଏଇଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। କଲେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଶୋଇଛନ୍ତି, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଦା ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଦୌଡି ଦୌଡି ଗଲେ ଜୋର ଗୋଟେ ଲାତଟି ମାରିଦେ ହେଲେ ଛାତି ଦେଲେ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟପ୍ ଦେଇଛି, ଦେଖିବା ଇଏ କଣ ରିଆକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଉଠିଲେ ଏବଂ ପାଦଟାକୁ ଧରିଲେ, ଆହା ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ବହୁତ କୋମଳ, ମୋର ଛାତି ହଉଛି କଠୋର, ଏ ମୋର ପଥର ଭଳିଆ, ଏ କୋମଳ ପାଦଟି ଛାତିରେ ଲାଗିଯାଇଥିବ, କେତେ କଷ୍ଟ ହେଇଥିବ। ଭୃଗୁଙ୍କର ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରିଲାଣି, ହେଲେ ମୁଁ ଆଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ ହିଁ ଆରିଗଲି, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେବତା କିଏ? ବିଷ୍ଣୁ ସାତ୍ତ୍ୱିକ, ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଗୁଣର ଅର୍ଥ ହିଁ ଯାହା ଭିତରେ ସମତା ଅଛି, ପ୍ରସନ୍ନତା ଅଛି, ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭୃଗୁଙ୍କର ମହତ୍ତା ବର୍ଣ୍ଣନ ରହିଛି। ଭୃଗୁ ହଉଛନ୍ତି ଭର୍ଜନା, ଅର୍ଥାତ ଯିଏ ଯାହାର ବାସନା ଭର୍ଜନ ହେଇଯାଇଛି। ଭାଗବତରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା, ଅବଧୂତଙ୍କର କଥା ରହିଛି, ଅବଧୂତ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦୁ ରାଜା ମୁଁ 24 ଗୁରୁ କରିଛି, ଗୋଟେ କୁମାରୀକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ କରିଥିଲି, କହିଥିଲି ମୁଁ କଥାଟା। କେତେ ଜଣ କହିବେ ନା, ସ୍ୱାମୀଜୀ ଆପଣ କହିଥିଲେ ଆଉ ଥରେ କହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସେତେବେଳେ କୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିଥିଲେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି, ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗଟା ଦେଖିବେ, କାହାଣୀଟାକୁ ସର୍ଟ କର। ଗୋଟେ କୁମାରୀ ଥିଲେ, ସେ କୁମାରୀ କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭାବି ଶ୍ୱଶୁର ଆସିଲେ, କୁମାରୀର ବାପା ମା ନଥିଲେ, ଭାବିଲେ କିଛି ତ ଅତିଥି ସତ୍କାର କରିବି, ତେଣୁ ଧାନ ଥିଲା, ସେ ଧାନକୁ ଆଣିକି ଚୁଡା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଭାଜିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ। ଭାବି ଶ୍ୱଶୁର ଜାଣିଦେଲେ, କହିଲେ, ଆରେ ମା କିଛି କରନା, ମୁଁ ଚାଷ ତତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ବାପାଙ୍କୁ କହିଦେବୁ, ଚାଲିଗଲେ। ସେ ଏ ଝିଅଟାର ଆଉ ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ, ଏଇ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି ଏ ଧାନ କଣ ହେଇଯାଇଛି ଭଜା ଚାଲିଛି, ତାପରେ ତାକୁ ବାହାର କରିକି ଥଣ୍ଡା କରିଦେଇଛି, ଯେମିତି ସେମିତି ରଖିଦେଇଛି। 6 ପରେ ବାହାଘର ହେଇଯାଇଛି, ଚାଲିଯାଇଛି, ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଇଏ ଯେ ବାପା ଯିଏ ଅନୁଭବୀ ଚାଷୀ କିଷାନ କୃଷକ, ସିଏ ତାଙ୍କର ବୁଣିଛନ୍ତି, 30-40 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସିଏ
अनुभव भी बहुत सुंदर फसल हुए ए वर्ष हूँ दुखी अच्छा ये आंकर जो झीवटी गर्भवती है कि जितने गर्भ हुए कन्या माँ को पक आसे माँ घर को आसे बापा दुखी अच्छा कह कहीं देखो ना मो जमीन फसल एथर हूँ कहीं के जाने बिहन तो मुझे रखी भल बिहन रखी ओहो बापा मुझे भूलीगली कह कौन ना मुझे धान टा को भाजुरी मोर बाहर पूर्व जो शशुर मत देखा आसान कहूली धान टा जो भर्जन हो धान टा जो भाजी से आउ धान क्षमता रही सृष्टि करने सेमती भृगुंकर वासना भृगुंकर कामना भृगुंकर कर्म बीज सब भर्जन हो जाए एणु भृगु शंकर जो तात्विक रहस्य जन पचार शंकर मान जो कल्याणकार संकरोति शंकर शिव मान अस्पिशियस से हूँ भगवान शंकर महर्षिणाम भगुर आगे चलते गिराम अस्मि एक अक्षर अनेक शब्द अच्छी गिरार अर्थ कौन जान अर्थवाचक पद हूँ गिरा गोटे हूँ पद जोटा के अर्थ रही आउ गोटे पद केवल शब्द मात्र अर्थ नल्लाड़ी आलिया मुझे कौन कहली आप कौन बुझे किसी ना बोलते आउ गोटे कौन कौट थी ये तमिल भाषा ये मलयाली भाषा आम गुरुदेव बड़ा मजा कर हिंदी बेल्ट लोक बुझी पारे ना गोटे अमृत स्प्रे डब्बा थी खाली गोटे कंकड़ पकईदे कंकड़ मान गुड़ी गुड़ी पकईदे आठ दस टापर हल्लेबे जो शब्द दैट इज तमिल जन आज प्रश्न पचार आरती आलती कौन खराब तेणु गोटे हूँ गिरा शब्द अर्थ सहित मुझे कह फल एप्पल ऑरेंज पिजुली उड़िया पिजुली आंब तो आपण गोटे गोटे भावना आचार ओहो स्वामी जी सका सका कहते लाल बाहर तो शब्द अर्थ तुरंत आपन पल आस शब्द कह गुट गेड़ा गेड़ा शब्द कहले कि अर्थ बुझीला तेणु अर्थ विहीन शब्द एटा नुह एटा गिरा मान अर्थ सहित शब्द अर्थ सहित अक्षर रे अनेक अक्षर अच्छी से भीतर बेस्ट अक्षर हूँ ओम ये ओम रो महत्ता ऑलरेडी हम मन देख सारे प्रणव प्रणव सर्व वेदेश समस्त वेद भीतर प्रणव ओम ओम इति एकाक्षर ब्रह्म कठोपनिषद ओम हूँ एकाक्षर अ ओम ओंकार जप लेना प्रति मिनट भगवान का नाम लेना गौरी रेडी ओंकार जप लेना ये जीवन बनाना ओंकार जप लेना ये जीवन बनाना जीवन ओंकारा ये जीवन ओंकारा जीवन ओंकारा ये जीवन ओंकारा यह आकार है शब्द का मूल आकार शब्द का मूल आकार मध्य स्थान आकार मध्य उकार अंत उकार अंतरे जीवन ओंकार ये जीवन ओंकार ये ओंकार हूँ सर्वश्रेष्ठ अनेक शब्द भीतर अनेक पद भीतर एकाक्षर को ओंकार कहते कहीं ओ उ म ओह अकार शब्दर मूल उकार मध्य मकार अंत जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति सृष्टि स्थिति लय ये ओंकार हूँ शब्द ब्रह्म गोटे हूँ परम ब्रह्म आ गोटे हूँ शब्द ब्रह्म अर्जुन
प्रणव तस्य वाच प्रकर्षेण नव प्रणव ओंकार नाम हूँ प्रणव प्रणव तस्य वाचक तस्य परमात्मा परमात्मा जो वाचक से हूँ ओम ओम कर जप सर्वश्रेष्ठ जप शब्द जो आसे ना से शब्द टी प्रथमे भीतर थाए परार उपरे तापर बौद्धिक स्तर रे आसंदी पश्यंती तापर मानसिक स्तर रे आसे मध्यमा तापर शब्द रूपरे आसे बैखरी बैखरी मध्यमा पश्यंती परा ये जो ओंकार शब्द सर्वश्रेष्ठ प्रणव प्रकर्षेण नव प्र न न वह आम मान को जे पार कर दिए प्रकर्षण नाव नाव मान नौका जमते भागवत त मान तरणी ब मान वर श्रेष्ठ ग मान ज्ञान भ मान भायम प्रकाश गिराम अस्मि एक अक्षरम यज्ञानम जप यज्ञ मु यज्ञ भीतर जप यज्ञ अछि जपस्तु सर्वधर्मेभ्यः परमो धर्म उच्यते अहिंसया हि भूतानां जप यज्ञ प्रवर्तते जप विषय मु ऑलरेडी षष्ठ अध्याय बहुत कहिछि अनेक यज्ञ अछि 14 प्रकार यज्ञ चतुर्थ अध्याय में देखिथिले यज्ञ अर्थ ही आम मन भीतर आ जाऊ द्रव्य यज्ञ हवन सेटारे हिंसा मध्य रही कि जपरे जप यज्ञ कौन से हिंसा ना कौन से विधि ना विधि यज्ञ जप यज्ञ विशिष्ट दशर दस भेर गुण विधि यज्ञ विधि मान नीति नियम जो यज्ञ करा जाए देवता मान को आह्वान करा जाए आहवनीय अग्नि जप यज्ञ श्रेष्ठ दस गुण श्रेष्ठ से दस गुण फल से दे दिए मन पका जप मान कौन बर्तमान दिटा अर्थ बताए लिसन केयरफुल कारण आप निजी प्रत्येक करिया पड़े बर्तमान सेना मो तरफ 31 अक्टोबर पर्यटन गीता शुणुचारे अलग ग्रंथ हेपार हम कि ना कि गीता ठार कौन शिखे ह्वाट यू आर टेकिंग टेक अवे होम आप स्टेक होल्डर्स कॉर्पोरेट भाषा ह्वाट यू विल डू तेणु जप एट भल बुझे आप फर्स्ट हूँ जपर अर्थ कौन इष्ट मंत्र नैरंतरेण आवृत्ति विशेष इष्ट मंत्र गोटे नि जाए इष्ट मंत्र मु बारंबार बुझे परंपरा अनुसार जहा आप गुरु देले आपन को जहा लाइकिंग कौन से गोटे इष्ट आप इष्ट मंत्र नैरंतरेण निरंतर भाव रे अपन आवृत्ति करचने ओम नमो नारायण ओम नमः शिवाय श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री जगन्नाथाय नमः इष्ट मंत्र जप सेकंड मीनिंग जन्मतः अर्थात जन्मना तद उत्पन्न क्षणात मृत्यु जन्म ठारो मृत्यु पर्यंत जेते सबो तार कार्यकलाप रु प माने पाती रक्षा जे करे तार ना होचे जप केते सुंदर ज जन्मात पाती या जन्मतः जन्मरु मृत्यु पर्यंत जन्म एवं मृत्यु ए दुईटी छोर ए दुईटी होचे कोण एवं मझीर जेते कार्यकलाप मनुष्य आसक्ति आदि ताठारु जे रक्षा करे ना से होती जप मंत्र
जप आम देखी चारि प्रकार उच्च जप मंद जप चित्तजम जप अजपा जप उच्च जप जोर जो गौ ओम नमो भगवते वासुदेवाय ध्रुव प्रहलाद मंत्र भागवतम मंद जप उठो हलिव स्वश्रुति गोचर मानसिक जप या चित्तजम जप अजपा जप अर्थात निजे आपण जप करू ना किंतु आपणकर जप होउची सोहम 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 हम सह सांस जाउची भीतर बाहर को आसुची यू आर नॉट कॉन्शियस अजपा जप यज्ञानं जप यज्ञोऽस्मि कौन यज्ञ भितर जप यज्ञ श्रेष्ठ काहेकि ना जप माध्यम रे भगवान कर ना चिंतन रहुचि बाकी यज्ञ रो बहुत किछ दरकार पड़ुचे जणे पचारले जणे माँ कहले कि स्वामी जी काली गोटे बर पूजा थिला ये थिला से थिला मु सब किछ करले दि तीन टा आइटम भूली गेले तो डोंट वरी ना अब माँ दुखित हेबेनि बर लक्ष्मी माँ दुखित हेबेनि ना ना व्हाट इज उपासना यू हैव टू अंडरस्टैंड उपासना होची मानसिक व्यापार मन भितर ही तुम देव को देवी को आणुच मन भितर ही देवता को आणुच एवं से जी मन भितर तुम आनिल जहाँ तुम आग्रह रखिल तुम दौच तुम भावना भावना प्रधान फिर भावना भितर सन्देह तर्क फल इच्छा ज्ञान आणत जहा पूर्व कर दिंत ज्ञान आठ मीटर यार साड़ी पिंधि से सपन टा भोग कर फिर एम क्लांत पूरा झाल ना हो गला फिर भगवान पूजा करे ओहो थकी गले व्हाट इज उपासना उपासना शुड बी आनंद उपासना जानवा दरकार कि मोर मानसिक व्यापार मु मोर खुशी कर सब बेस्ट हूँ जप कि जप कौन हुए सुखा सुखा हो जाए जदि आप रिलेसनशिप रखिए गोटे भगवान को सुंदर बसेबे तेज जप भल लगे खाली गोटे कौटे जा जप कर दे पारे ना रेलवे स्टेशन रे जप कर पारे ना भगवान को जो आप प्रार्थना घर कर सुंदर सजाऊ आपण मन टा उदात्त हो उपरक उठ से देवा ना दरकार ना मुझको भल पाऊँ हाँ कि तुम जिते आस तुम सहित भल कथबार्ता हे किसी देवी किसी कह कंजूस है भी बहुत लोग ना संसार कंजूस महाराणी से नु भगवान को पाई रिलेशन जोटा अच्छे ना से भक्ति भगवान को पाई सहित जो रिलेशन तैयारी कर दौ से जप से उपासना से भक्ति एमओयू बिटवीन यू एंड गॉड एमओयू बुझ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग मुझे जप को बारंबार स्ट्रेस दौर जप हूँ आपण संपत्ति जप हूँ पर्सनाल केवल गुरु ही जान जहा जहा एवं रियल मंत्र आप कह दरकार मंत्र को गुप्त रखिए जहाक आप गुरु मानुचंदे ही कह किंतु पति पत्नी पत्नी पचारे पति तम प्लीज तुम मंत्र कहना कहीहब किसी असुविधा ना पति जो तू 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 नेलु स्वामी जी मंत्र कहलु मत कही पारे कि सी जदि विश्वास कर बहुत पति अच्छा विश्वास ही कर इंटरेस्ट नौ ना प्रथम शुणु ना जा पत्नी कह तुम टे शुणुना स्वामी जी किसी किसी लोग शुणुं मत कौ स्वामी जी सी मत शुणुं आगे शुणु ना कथा शुणुं कौन भल तो लगुच सेमती पति को कही पारे जे शुणु नए मुझे कौ गोटे जगह को जाइले पत्नी दुख प्रकाश कर स्वामीजी प्रवचन शुणापे मना कर दौंती कर दौरान मुंस खाऊन मत जबरदस्त आणिक कह मंस तैयारी कर केवे केमती मो भगवान को बिगड़ी गले कौन मो पर बिगड़े भगवान को फिंगी दौंस एमती पति देव कौन आप कहे मंत्रा से आहरी अवमानना कर दरकार ना कि जी आप सपोर्ट कर
ଯିଏ ଆପଣ ଯାହା ସେ ସକାଳୁ ଉଠି କରୁଛି ତ ବିରୋଧ କରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆପଣ କହିପାରିବେ, ବାପା ମାଙ୍କୁ ବି କହିପାରିବେ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ମୋ ସଖାର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ବତେଇଥିଲି ଛଅଟା ଲକ୍ଷଣ ଗୁହ୍ୟମ ଆଖ୍ୟାତ ଯାହା ସହିତ ଆପଣ ଖାଇପାରୁଥିବେ, ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଯାହା ସହିତ କରିପାରୁଥିବେ, ସ୍ନେହ ଦେଉଥିବେ, ନେଇ ବି ପାରୁଥିବେ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରୀତି ଲକ୍ଷଣ, ସନାମ ପ୍ରୀତି ଲକ୍ଷଣ ତାକୁ କହିପାରିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୁହଁ। ଯଜ୍ଞାନାମ ଜପ ଯୋଗ୍ୟ ଅଶ୍ମି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯଜ୍ଞରେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦରକାର, ଯେମିତି ପୂଜାରେ ପାଞ୍ଚଟି ଦ୍ରବ୍ୟ ଦରକାର, ପାଞ୍ଚଟି ପଦାର୍ଥ ଦରକାର ହଉଛି, ଦ୍ରବ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ମନ୍ତ୍ର ଭକ୍ତି ଜ୍ଞାନ, କିନ୍ତୁ ଜପରେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଶାନ୍ତ ହେଇକି ବସିବେ। ମାନସିକ ଜପରେ ତ ଆହୁରି ବାଣୀ ମଧ୍ୟ ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କଠିନ। ଟ୍ରାଇ ସାଇକେଲ ଚଳେଇବାଟା ସରଳ, ବାଇସାଇକେଲ ଚଳେଇବାଟା ନିଶ୍ଚୟ ପଡିଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ, ମନୋସାଇକେଲ ଆହୁରି କଠିନ, ସର୍କସରେ ହୁଏ। ତେଣୁ ମାନସିକ ଜପ ହଉଛି ମନୋସାଇକେଲ ଭଳି, ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ହିଁ ହେଇପାରିବ। ଯଜ୍ଞାନାମ ଜପ ଯୋଗ୍ୟ ଅଶ୍ମି, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେ ସ୍ଥାବରାଣାମ ହିମାଳୟ, ମୁଁ ହଉଛି ସ୍ଥାବର ଭିତରେ ମୁଁ ହିମାଳୟ, ସେଟା ଉଚ୍ଚ ଶୃଙ୍ଗ ଭିତରେ ମୁଁ ମେରୁ, ଏଠି ସ୍ଥାବର ଭିତରେ ଅର୍ଥାତ ହିମାଳୟ ଯେମିତି ସ୍ଥାବର, ସେମିତି ଆମ ମନଟା ସ୍ଥାବର ହେବା ଦରକାର, ଆମ ମନଟା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବା ଦରକାର। ଯେମିତି ଆମର ଭାରତବର୍ଷକୁ ହିମାଳୟ ପ୍ରାଚୀର ଭଳିଆ କରୁଛି, ଅସ୍ତି ଉତ୍ତରାଶ୍ୟାମ ଦିବ ଦେବତାତ୍ମା ହିମାଳୟ ନାମ ନଗାଧିରାଜ କାଳିଦାସ। କାଳିଦାସ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ଆମର ହିମାଳୟ କେମିତିଆ, ଅସ୍ତି ଉତ୍ତରାଶ୍ୟାମ ଦିଶି ହିମାଳୟ ନାମ ନଗାଧିରାଜ। ତେଣୁ ଯେମିତି ଆମ ଭାରତବର୍ଷକୁ ପ୍ରାଚୀର ସଦୃଶ ହଉଛି, ସେମିତି ଆମର ମନକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବା କି ଚାଇନା ରୂପକ ବିଷୟକୁ ପ୍ରବେଶ ନ କରୁ, ପାକିସ୍ତାନ ରୂପକ ବିଷୟକୁ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ ନ କରୁ। ମାଇଣ୍ଡ ମଷ୍ଟ ବି ୟୋର ୱାଲ୍ ସ୍ଥାବରାଣାମ ହିମାଳୟ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ନା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗେ ବଢିବା, କାରଣ ଯେତେ ଚିନ୍ତନ କରିବା ସେତେ ହିଁ ଆନନ୍ଦ, ସମୟର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଲିମିଟେସନ ଅଛି। 26 ନମ୍ବର, ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ସର୍ବବୃକ୍ଷାଣ, ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ସର୍ବବୃକ୍ଷାଣ ଏବର୍ଷୀଣାଂ ଚ ନାରଦଃ, ଏବର୍ଷୀଣାଂ ଚ ନାରଦଃ ଗନ୍ଧର୍ବାଣାଂ ଚିତ୍ରରଥଃ, ଗନ୍ଧର୍ବାଣାଂ ଚିତ୍ରରଥଃ ସିଦ୍ଧାନାମ କପିଲୋ ମୁନିଃ, ସିଦ୍ଧାନାମ କପିଲୋ ମୁନିଃ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ସର୍ବବୃକ୍ଷାଣ। ଇଏ ଆମର ଆପଣ କେବେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତିର ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ହଉଛି ବୃକ୍ଷ। ବୃକ୍ଷକୁ ତୈତ୍ର ଉପନିଷଦର ଔଷଧ କହନ୍ତି, ଆୟୁର୍ବେଦର ଚରକ ସୁଶ୍ରୁତ ଆଦି କହୁଛନ୍ତି। ଏପରି କୌଣସି ବୃକ୍ଷ ନାହିଁ ଯୋଉଟାରେ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ନାହିଁ, ୱି ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ଦାଟ୍ ଇଜ୍ ଆୱର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଆପଣ କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି କୁକୁର ଯଦି ବେଶୀ ଖାଇଦେଲା, କାରଣ ଦିଆଯାଉ କୁକୁରର ବହୁତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଛି। ମୁଁ ମୋର ପଟିଆଲର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆଟି ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ସିଏ ମୁଁ 4:30-5 ବେଳକୁ ମୋ ବାରଣ୍ଡାରେ ଆସିକି, ଏବେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ମୋ ବାରଣ୍ଡାରେ ହିଁ ଘଣ୍ଟାଟେ ଖଣ୍ଡେ ବସୁଛି, ଭାବୁଛି ମୁଁ ମୂଳ ମାଲିକ ଗଲେ କୁଆଡେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇଦେବି ସେ ଜାଣିଦବ, ଦେନ୍ ଖିଡ଼ିକିରେ ଖଟ 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 କରିବ, ବସିଥିବ। ଆଜିକାଲି ବଡ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ କରୁନି, ସେ ଜାଣିଛି ଶାନ୍ତି ବସିଥିବ। ମୁଁ ତାକୁ ଦେବି ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ଇଏ ଦହିଟା ଥାଏ, ତାକୁ ବାହାର କରିକି ଟିକେ ଦହି ଦେବି, ସେ ଖାଇବ। ତାପରେ ଫ୍ରୁଟ୍ସ କାଟିବି, ଫ୍ରୁଟ୍ସ କାଟିକି ଦେବି। ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଯଦି କିଛି ଦେବି ତାର ହେଇଗଲା ଫୁଲ୍, ଆଉ ଖାଇବ। ଯଦି ତାକୁ ଶୌଚ ଯିବାକୁ ଅଛି ବେଶୀ, ଯିଏ ଆମର ସେବକ ସିଏ ନେଇକି ଯିବେ ବାହାରକୁ, ସେ ଆଉ ଖାଇବ, କହିବ କୁ ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରଥମେ ମୋତେ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡିବ, ତାପରେ ମୁଁ ଖାଇବି ନା। ମାନେ ମୁଁ ଏତେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଶିଖୁଛି ତାଠୁ, ଭାବନ୍ତୁ ଯାହା ପାଖରେ ଥିବ କୁକୁର ଆଦି ଆଲସିସିଆନ ସେ ବଡ଼ା ଫୋନ୍ ବାଲା ସେମାନେ ସବୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ୟୁ ଲଭ୍ ଦେମ୍ ବଟ୍ ୟୁ ଲର୍ନ ଫ୍ରମ୍ ଦେମ୍।
डोंट अटैच अटैचमेंट हूं तो नहीं तो भरत भाई परिणाम तेणु कुकुर जो बध जमी हेत सी गोटे घास जो गुटा को आम घास कौ दुब कौ सी तार खाई दबो खाई आगे बस वेमती गाई पकुले कहती से गोटे पकुड़ के सब बाहरी आस देखी आई हाव सीन ताने प्रत्येक गच भितर औषधीय गुण अच्छी आम जान बेचारा कुकुर जानी सुश्रुत और चरक तो कहते सब वृक्ष भितर किसी ना किसी गुण अच्छी ताकि औषध कह यूनान जन चिकित्सक थे ना हूँ लुकमान जमती होमिओपैथिक जनक सेमती लुकमान से कौन कर से घर जंगल पाखे रोते मिनिमम 4-5 हजार अलग अलग वृक्ष अच्छा जड़े जदि रोग हो कैंसर हो मुंड बता हो पेट बता हो 1 लाख वृक्ष रि पहचान पाला सी गोटे पर्टिकुलर जान से वृक्ष पाक जीवे ये लोक ने प्रत्यक्ष आसी जदि न आसी जो रोगटा अच्छी से रोग कथा से वृक्ष को कहे वृक्ष को देवता बोली भाव हाथ जोड़ी से बसवे घंटा टाइम अध घंटा खंडे उपासना करेंगे कह हे वृक्ष ये रोग मुझुच्छी एणु आपण पत्र मत गुण टा दौ क्या ब्यूटिफुल आराधना पत्र बाहर करेंगे दौथे ठीक हो जाऊ क्लीयर हाँ तेना प्रत्येक वृक्ष आम मन औषध से वृक्ष भितरे ये जो अश्वत्थ बरगछ अश्वत्थ वृक्ष हूँ श्रेष्ठ पुराण रे अश्वत्थ वृक्ष आम माँ मान अश्वत्थ वृक्ष को पानी दियंती कपड़ा पिंधती आम पुरी रे देखु ना गणेश बट वृक्ष के बंधाई थी संकल्प करते कामना करते केवल आम ओडिशा रे पुरी रे भारत रे अन्यान्य देश रे मध्य को गोटे गच को लेकिन बंधा बंधी चल थ चाइना रे मध्य नेपाल रे मध्य तिब्बत रे मध्य डिजायर ट्री फुलफिलमेंट ट्री कौन अश्वत्थ मूले विष्णु स्थित अश्वत्थ वृक्ष आम पंचदश अध्याय देखा डिटेल से अश्वत्थ वृक्ष गौरव कह अनेक वृक्ष भितर मु अश्वत्थ वृक्ष मूले विष्णु स्थित अश्वत्थ वृक्ष मूल रे किए विष्णु स्कंदे केशव स्कंधर कांड केशव नारायण स्तु शाखा शाखा रे नारायण मान भगवान अलग अलग अंश एवं ना ही अच्छे पत्रेशु भगवान हरि पत्र रे भगवान हरि अच्छा फले अच्युत फल अच्युत जे अच्युत डाक निश्चय फल मिल न संदेह सर्वदैव समन्वित समस्त देवता माने एठे बास करुछन्ति सएव विष्णु द्रुम अश्वत्थ वृक्ष को विष्णु द्रुम कहते भगवान को द्रुम से महात्मा भी ही सेवित पुण्य मूल महात्मा माने संत माने जो माने जानी से माने वृक्ष को सेवा करते देखो आम माँ माने भारतीय माँ हिंदू माँ उड़िया माँ स्त्री जानी ना ये सब जिनस कहीं जान नए कि कारण तर परंपरा अच्छी माँ कही शाशु कही बस पानी टे ने पकड़े आज्ञा तुलसीदास जीवन रही सी जो लोटा निर्णय पूर्व काल बाहर जाती पाटा को अधा पा सी नष्ट करते गोटे गच्छे पकाते से गच्छर गोटे प्रेत आसला कहला मुझे करी तुमको बर देवी सब ये कहले रामजी को देखाओ मु रामजी को देखे तो मुक्त ही ना था सी कहले हौ तुम्हें चित्रकूट जाओ से रह हनुमान जी का दर्शन हो भगवान को दर्शन करेंगे तेणु भूत मध्य भूत योनि जो कही नवम अध्याय अश्वत्थ वृक्ष यस्य आश्रय पाप सहस्र अंता जार आश्रय जहाँ पूजा कले पाप नष्ट हुए भवन नाम काम
दुग्ध गुणाद्य जहार पुण्य से मय सेवा कले समस्त कामनादायक गुण युक्त मनुष्य को पाप नष्ट करे। बोटानी दृष्टि बोटानिकल दृष्टि ब्रिटिनिका एम कौन तार ना अच्छे एवं औषधीय गुण मध्य रही आयुर्वेद दृष्टि कौन कौन जान तार पत्र तार फल तार छाल सब रोग नाश रक्त विकार जो हुए कफ बात पित्त दाह शरीर भितर दाहन बमन मान बांति के अरुचि हो खाइबा को भल लगन विष दोष खांसी विषम ज्वर हिचकी जो हिचकी हुए उरक्षत हो जाए नासा रोग हुए कृमि हुए कुष्ठ रोग थाए त्वचा रोग थाए अग्निदग्ध प्राण थाए ये सब रोग को यही वसत वृक्ष छाल मूल बा पत्र बा तार जो रस जान दुग्ध बाहर ये सब काम दिए माने से असत्य वृक्ष पाई प्रणाम कर अश्वत्थ सर्व वृक्ष देवर सिंह नाम च नारद नारद होचंती देवता मध्य देव मध्य एवं ऋषि मध्य ब्रह्मांकर पुत्र ये दसटा पुत्र भीतर ब्रह्मांकर पुत्र नारद देवर्षीणाम च नारद नारद पूर्व जन्म रे दासी थिले दासी पुत्र थिले कोई थिले बोधे से निजे ही जेतले बहुत भागवत रे बहुत दुखी होतले मोर यूट्यूब रे भागवत अच्छी जो नहीं थिले जस्ट माधवानंद चिन्मय मिशन लगे दिन आठ भागवत एक रु सात सात दिन भागवत अच्छी एक दुई फर्स्ट या सेकेंड इयर व्यासदेव बद्रीनाथ आश्रम से साम्य प्रयास आश्रम से बड़ा मन दुख रे असंतोष व्यास असंतोष टपिक अच्छे असंतोष मान कौन व्यास सबकि लिखले महाभारत लिखले पुराण लिखले सबकि लिखले तथापि कलि युगर लोक खुशी पारे बोले जना पड़ा नारद आसिले उपदेश देले कहले भगवान नार महिमा जानो भगवान लीला वर्णन कर भगवान नाम कीर्तन कर भगवान रूप धाम गुण चरित्र स्वभाव वर्णन कर भागवत कथा कहले कहले पूर्व जन्म रे मु गोटे दासी पुत्र थी संत मान चतुर्मास चल श्रावण महीने मास जस सरला चतुर्मास साधु संत मान मंदिर रे राजा घरे धर्मशाला रे रहंती बरसा रे कोड जाते जने सेठ को घरे मो मां चाकरी करथले सेविका थिले मु मते छोट पिलाटे थिले मु गोटे पुत्र नारदंकर पूर्व जन्म कथा सुन एवं ये ओइंखा जो छाड़ दियंती मां मो मां जतले बाहर करंती मते दियंती ना को जगर ना ओइंठा खराब माना जाय कि एटलीस्ट हम ओडिसा रे माना जाय हमें तो ओइंठा खाइबा लोक जगन्नाथ पुरी आनंद बाजार रे जांदो के कहउछन ता जदि नै जे के किछ खराब बाबु जे नुवा लोक सेवा बिन कोन कोला अरे एटा ही से आबो तार अर्थ कोनसे घृणा नाही जाति विचार नाही जाति प्रथा नाही जे जोटे नै परिबे जने जदि खाउछन जदि आसी बसि गेले मना करि जानि सेटा ओ सन्यासी ब्रह्मचारी छोटो बडो किछि भाव नाही सब समान भगवान कर भक्त यो छ आनंद बाजार एबे बोधे काली पर दिन आड़ को आम जगन्नाथ पुरी खोली जाऊछि ए 6 दिन भीतर केवल सेवक मान को पंडा मान को पु माने माने परिवार लोक आ पुरी बासिंदा मान को खोला थिला 15 रु एबे भीतर 21 22 बड़ को 23 बड़ को खोला है जो मान जीवा कथा जीवे दर्शन करि ये होछि भगवान हमरो विशेषता। तो नारद कहछन मु एंती दासी थिली जेतले चली गले मत बहुत दुख लगला छोट छुआ कांदी गोटे साधु बड़ा करुणा बांधे गोटे डाकिले मत प्रसाद देदे जो ओंठा उच्चिष्ट जो प्रसाद मु खाइली कथा नहीं मोर मन पवित्र होगा मत गोटे मंत्र टे दे से मंत्र टा गायकि किसी दिन पर मो माँ को सापटे कामुड़ के
माँ मरीगले आकुटिया जंगल को जैक ध्यान कले मु भगवान को दर्शन पाइली एवं मु नारद है से नारद देवर से नाम च नारद कितना सुंदर कौच ना देवर से नाम च नारद नारद अर्थ कौन जान नारम माने ज्ञानम नरस्य इदम नारायण जो नारम माने ज्ञानम आत्म संबंधी ज्ञानम आत्म संबंधी ज्ञानम या ददाती नारद द माने ददाती काम द मोक्ष द जे ज्ञान दियंती से होचन नारद नारद होचन गुरु पद वाच्य गंधर्वाणाम चित्ररथ अनेक गंधर्व अच्छा गंधर्व किए ना सेलेस्टियल्स सेलेस्टियल्स मान कौन जान जाते देवता मान कर अलग अलग सब जाति अच्छा से भीतर हो चंदे जे गान करती से हो चंदे गंधर्व आ स्त्री मान जे नाचती अप्सरा कौन जो बॉलीवुड वाले जो एक्टिंग करते ना मैंने गंधर्व स्टाइल देवता मान कर विशेष गान करवा लोक जे जो सिंगर्स सिंगर वाले बॉलीवुड रो गोटे होचे एक्टर्स आ गोटे होचे सिंगर्स तो जे सिंगर्स से होचे गंधर्व अनेक लोक अछि तैत्र उपनिषद रे अन्यान्य उपनिषद रे हम पाइबा भागवत रे मध्ये गोटे होचे गंधर्व लोक सेटा कोटे ना गुह्यक लोक उपरे गोटे गुह्यक लोक अछि आ गोटे होचे विद्याधर लोक रो तळे ये गंधर्व लोक रो जो स्थानटा अछि गुह्यक लोक उपरे एंड विद्याधर लोक तळे ए गंधर्व माने गान करत ए माने दी प्रकार गोटे हूँ मर्त्य गंधर्व आ गोटे हूँ दिव्य गंधर्व मर्त्य गंधर्व कौन ना मर्त्य लोक रु जो मैंने पुण्य करके जाइए गंधर्व उदाहरण स्वरूप जन भल भजन गाँव पुण्य भी करेक्ट जन्म रही मरीगला गंधर्व पाए आ गोटे हूँ दिव्य गंधर्व कल्पांतर प्रारंभ रही अच्छा आजान देव आजान देव दिव्य गंधर्व दि प्रकार गोटे हूँ मौने गंधर्व आ गोटे हूँ प्राधान्य गंधर्व ये स्वामीजी सब डिटेल कौन कश्यप ऋषि तेरह पत्नी अच्छा द्वितीय रु दैत्य हेले अदिति रु आदित्य हेले गोटे पत्नी ना हूँ मुनि स्त्री ना ये मुनि माने मुनि नु मुनि है मुनि रु जिते पुह हेले षोलटा गंधर्व हेले ना हूँ मौनेय गंधर्व प्राधा होचे आ गोटे पत्नी प्राधा गंधर्व हेले चौदटा गंधर्व हा हा हु गंधर्व हु गंधर्व चित्ररथ गंधर्व तुम्बुर गंधर्व से भितर गंधर्व नाम चित्ररथ ठीक तापर कौन देख सिद्धान कपिलो मुनि कपिल भगवान होचंती भगवान अवतार केवल ज्ञान पाई जन्म नहीं ज्ञान अवतार मुझे बर्तमान सिद्धान मु बर्तमान जो जगह अच्छी सिद्ध बाड़ी एवं बर्तमान 444 लोक अच्छा बहुत लोग आम सिद्धवाड़ी आसन कल भी जन माँ जन कथबार्ता होते भुवनेश्वर कैंप हुए ना ये मुझे स्टूडेंट भी थी 84-86 आचार्य भी थी जगह आईटे गुरुदेव कहते कपिल जन्म अच्छे बर्तमान आम आश्रम मात्र जमी बाटर गले अध किलोमीटर 1 किलोमीटर गोटे सुंदर गुफा टे अच्छे कपिल गुफा जो मैंने आसवाप चाहते आसपार गोटे दिज आस अक्टोबर एटी कपिल भगवान जन्म अच्छे देवहूति माँ माँ निजे नदी ही गले गोटे छोट नदी टे बही चली आम आश्रम जस्ट पाखे तार ना हूँ देवहूति नदी कर्दम ऋषि तपस्या करते मत गोटे जंगल बढ़िया गोटे आश्रम गुफा अच्छी कपिल गुफा शिवलिंग सिद्धान कपिलो मुनि आगे डुंगरी जी महाराज कहते गुजरात रे भी गोटे अच्छे सिद्धाश्रम कहते जाओ आम गुरुदेव के सिद्धा मुझे सिद्धवाड़ी को चयन कले कारण सिद्धान कपिलो मुनि कपिल हूँ ज्ञान अवतार तृतीय स्कंद रे निजे माँ देवहूति उपदेश दे धर्म ज्ञान वैराग्य आसचंदे भगवान धर्मर प्रचार करचंदे ज्ञानर प्रचार करचंदे वैराग्यर प्रचार करचंदे ऐश्वर्य प्रचार करचंदे सिद्धानम कपिलो मुनि अर्थ कौन अर्थात से जदि कपिलो मुनि को किए
ଆଇଡିଆଲ କିଏ ଇଷ୍ଟ ମାନିବେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଅବତାର ଜ୍ଞାନ ଅବତାର ଯେମିତି କଳା ଅବତାର ହଉଛନ୍ତି ବେଦ ବ୍ୟାସ ପରଶୁରାମ ଆବେଶ ଅବତାର ନୃସିଂହ ଭଗବାନ ଆବେଶ ଅବତାର ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଜ୍ଞାନ ମିଳିବ ଗନ୍ଧର୍ବଣମ ଚିତ୍ରରଥ ଯେଉଁ ଟିକେ ଭଜନ ଗାଆନ୍ତି ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି ଗନ୍ଧର୍ବ ଦେବର୍ଷିଣାମ ନାରଦ ଯିଏ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତିନି ପ୍ରକାର ପ୍ରବଚନ ଅଛି ମୁଁ ଯୋଉ ପ୍ରବଚନ ଦଉଛୁ ସିଏ ହଉଛି ବ୍ୟାସ ଶୈଳୀ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିଥିବେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦାସକାଠି ଆଣ୍ଡ ପାଲା ନାଟ ପାଲା ଇଜ୍ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ମୁଁ ପିଲାବେଳୁ ନା ପାଲା ଦେଖିଛି ମୋର ମନେ ଅଛି କିଛି କିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗ ମୋର ମନେ ଅଛି ବିନତା କଦ୍ରୁଙ୍କର କଥା ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର କୁହନ୍ତି ପାଲାର ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ ବି ଥାଏ ପ୍ରଥମେ ତିନି ଚାରି ଜଣ ତାଙ୍କର ଚଲେଇଥିବେ ଆଉ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଯିଏ ସିଏ ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଡ୍ରେସ ହେଇକିରି ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ ଚାଉଁରିଟେ ଧରିକି ଆସିବେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଆସିକି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଡିଜାଇନ କରିକି ଯୋଉ ଗାଇବେ ତାକୁ ହିଁ ଅଧଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବେ ସେ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ କରୁଥିବେ ସେ ମଙ୍ଗଳାଚରଣକୁ ବୁଝେଇ ବୁଝେଇ ତାଙ୍କର ଅଧଘଣ୍ଟା ପଳେଇଯିବ ଘଣ୍ଟାଟେ ପଳେଇଯିବ ଦେନ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେବେ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବୁଝଉଥିବେ ଆଉ ମଝିରେ ମଝିରେ ଖୋଳ କାର୍ତ୍ତରା ଇଏ ସିଏ ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଦାସକାଠିଆ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜଣେ ଦି ଜଣେଇ ଥାଏ ପାଲାରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ଗାୟକ ଥାଏ ତେଣୁ ନାରଦ ଓ ପାଲା ଭଳିଆ ଦାସକାଠିଆ ଭଳିଆ ଡେଇଁ ଡେଇଁକରେ ଗାଇବେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଯେତେ ସବୁ ଥାନ୍ତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ଆମର ନାମଦେବ ତୁକାରାମ ସେମିତି କରନ୍ତି ଗୋଟେ ହଉଛି ବ୍ୟାସ ଶୈଳୀ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ନାରଦ ଶୈଳୀ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ହନୁମତ ଶୈଳୀ ଡେଇଁ 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 କରି କହିବା ଏଇଠି କହିଲେ ସେଇଠି କହିଲେ ସେଇଠି କହିଲେ ଏମିତି ତେଣୁ ଦେବର୍ଷି ନାମଚ ନାରଦ ଭଗବାନଙ୍କର ନାଁ ହିଁ ଗାଇ ଚାଲନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସତେଇଶ ଉଚ୍ଚୈ ଶ୍ରବ ସମସ୍ମାନ ବିଦ୍ଧି ମାମ ମୃତୋତ୍ତମମ୍ ଐରାବତମ୍ ଗଜେନ୍ଦ୍ରାଣାମ୍ ନରାଣାମ୍ ଚ ନରାଧିପମ୍ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ଚଉଦଟା ରତ୍ନ ବାହାରେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନକୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କର୍ପୋରେଟ ୱାର୍ଲ୍ଡରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର କର୍ପୋରେଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରତିପାଦନ କରାଯାଇଛି ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନର କଣ ହବ ଗୋଟେ ପକ୍ଷରେ ଅସୁର ଆଉ ଗୋଟେ ପକ୍ଷରେ ଦେବତା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଡକ୍ସନ ପାଇଁ ଦିଟା ପକ୍ଷ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଗୋଟେ କର୍ପୋରେଟ ୱାର୍ଲ୍ଡରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଥାନ୍ତି ଗୋଟେ ହଉଛି ଅଫିସର୍ସ ଟାଇପ୍ ଥିଙ୍କର୍ସ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଲେବରର୍ସ ଅସୁର ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବଳ ବେଶୀ ଅଛି ଦେବତା ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଅଛି ସମର୍ପଣ ଅଛି ଅସୁର ମାନେ ସମର୍ପଣ କରୁନାହାନ୍ତି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରୁନାହାନ୍ତି ଗୁରୁଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ମାନୁଛନ୍ତି ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କେତେବେଳେ କେମିତି ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ବି ମରେଇ ଦେବା ପାଇଁ ବସୁଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଥିଲି କଚଙ୍ଗ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେ ଯାହା ହଉ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ପାଇଁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ଦରକାର ଗୋଟେ ହଉଛି ଥିଙ୍କ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ୱାର୍କ ଇନ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ କୌଣସି ଗୋଟେ କାମ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ୱାର୍କ ଇନ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଅଛି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଲେଗ୍ସ କେତେ ଅଛନ୍ତି ବ୍ରେନ୍ ତ ଅଛି ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ପ୍ଲାନ୍ ତ କଲେ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆପ୍ଲିକେସନ ପାଇଁ ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ପାଇଁ ତାକୁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ କହନ୍ତି କର୍ପୋରେଟର ଶବ୍ଦ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ପାଇଁ କେତେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଲେବରର୍ସ ଗୋଟେ କୌଣସି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କଲେ ଲେବରର୍ସ ମିଳିବେ କି ନାହିଁ ର ମେଟେରିଆଲ କୋଉଠି ଆସିବ ନାଲକୋ ନଗର ଯେତେବେଳେ ହେଲା ଆଚ୍ଛା କାହିଁକି ରଖାଗଲା କାରଣ ତାଲଚରରୁ କୋଇଲା ଆସିବ ସିପିପି ଫେରେ ସ୍ମେଲ୍ଟର ନାଇଁ ତ ଜାମନଜଡ଼ରେ ଆଲୁମିନିୟମ ବକ୍ସାଇଟ ହେଲା ସେଟା ବାହାର ଲାଗେ ଏଇଠିକି ଆସିଲା କାହିଁକି ନା ଏଇଠି ତାଲଚର ଏଠି କୋଇଲା ଅଛି ସିପିପି ଥର୍ମାଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ ସେଇଥି ଯୋଗୁଁ ସ୍ମେଲ୍ଟିଂ ହେଲା ମୁଁ ଥିଲି ନାଲକୋ ନଗରରେ ନା 11 ବର୍ଷ ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ କହୁଛି ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଟାଟାନଗର ବୋକାରୋ ର ମେଟେରିଆଲକୁ ସ୍ମେଲ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ କରିବା ପାଇଁ କୋଇଲା ଦରକାର ଆଉ ଲେବରର ମିଳିପାରିବେ କି ଏସବୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼େ ସେମିତି ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବାଇ ପ୍ରଡକ୍ଟ ହଉଛି ଅମୃତ ଅମୃତ ଉଦ୍ଭବ
से भितर 14 रत्न मिली कामधेनु प्रथम मिलला ऋषि मान को दिगला उच्च स्रव घोड़ा उच्च स्रव समास्वानम विद्धिमम अमृतोभमम अमृतोद्भवम समुद्र मंथन समय रे जो उच्च स्रव घोड़ा मिलला प्रथम ही मिल गला से तले सब पाटी गले भगवान विष्णु कहले देवत से बड़ से दे दि उच्च स्रव हॉर्स पावर कह घोड़ा मान हॉर्स हॉर्स पावर इलेक्ट्रिसिटी रे हमें यूज कर हॉर्स पावर घोड़ा तक मिलला ऐरावत आगुरी आस ऐरावत गजेन्द्राण गज हाथी भितर ऐरावत ईरावती पृथ्वी रुत्र हबार ऐरावत ऐरावत किए ने देवराजेन्द्र देवता मान मिलला राक्षस मान को शक्ति दरकार घोड़ा भितर बहुत शक्ति हॉर्स पावर से मिलला नाराणाम च नराधिप नर भितर जे राजा नराधिप से हम श्रेष्ठ नराधिप गोटे अर्थ हो मनु कारण से भितर श्रेष्ठ हो मनु मनु रही मानव तेणु कितु ये अर्थ हो सेंट्रल राजा राजा हूँ भगवान प्रतिमा से आम जगन्नाथ ठाकुर मान प्रतिमा हूँ राजा ठाकुर राजा आम मान तो आहुरी दिव्य शास्त्रीय अध्याय चलती प्रतिमा चलती ठाकुर राजा कह नर भितर जी राजा राजा हे कहले कि गोटे चिन्ह दरकार जहा पाखे भगवान अंश थी सी ही राजा ही तेणु मुझे राजा नर मान भितर मुझे ऐरावत फिर आग को आहरी कौन है देखा बर्तमान आज टे क्वेश्चन आंसर देखेद बाबाजी मुदली बड़ गुड़ियाली गंजाम रो स्वामी जी स्वभाव कौन स्वधर्म कौन अधर्म कौन स्वधर्म हूँ कर्म दृष्टि ताको ही धर्म कहा जाए है ना स्वधर्म एवं धर्म स्वधर्म रिलेटेड विथ निजर कर्म धर्म मध्य शब्द अनेक अर्थ शब्द अनेक अर्थ कंटेक्स्ट अनुसार एग्जांपल दि जाए प्रेशर फिजिक्स अलग केमिस्ट्री अलग सवेरे सवेरे जो आप चा पीला परे जा होची प्रेशर एग्जामिनेशन रो प्रेशर अकाउंट रो प्रेशर बैंक रो प्रेशर 31 मार्च एंड सेप्टेम्बर 30th प्रेशर शब्द गोटे अलग अलग पानी पागर प्रेशर सेमती धर्म कोट कोट कौन यूज है धर्म इज गोटे सत्कर्म स्वधर्म मान निजर कर्म स्वभाव मान प्रकृति साधारण निजर स्वभाव निजर हैबिट इज द सेकंड नेचर कहते नेचर स्वभाव विजय कुमार रथ पचंद आरती आलती सेम यस र ल यो अभेद तको आरती रियली शब्द आरती आरत शब्द आर्त जिज्ञास आर्त ही जो पुकारे से हो आरती सेटा को ही आम ओडिया रे आलती को आजे सेम कावेरी पचार चंद एकादश रुद्र शंकर कोचन हनुमान को मध्य शंकर अंश यस शंकर अंश रे हनुमान आसले एकादश रुद्र मध्य कोटि कोटि कल्प भेद रे हनुमान को मध्य माना जाउ छी एस एस हल्दर पुरी रो पचार चंद रुद्राणाम शंकर गुड़ अर्थ शंकर हूँ भगवान शंकर जी समकरोति इति शंकर शिव स्वरूप परम ब्रह्म से राजश्री पचार चंदी हाउ यू विल गेट लिबरेटेड फ्रॉम द पास्ट बेड कर्म इज देयर एनी वे यस यस जो पास्ट कर्म तक कर्म जो करो भक्ति जो करो उपासना करो उपासना द्वारा पाप नष्ट आउ लास्ट जो पाप ज्ञान द्वारा ज्ञान अग्नि दग्ध कर्म नष्ट हो उपासना कले भक्ति जोग कले पाप नष्ट आउ गोटे रहिला एससी पात्र पचार चंदी स्वस्ति न इंद्रो वृद्ध स्रवाह पूरा श्लोकटा अछि अथर्ववेदर कैवल्य उपनिषद रे अन्यान्य उपनिषद रे मंत्र अछि काली मु पूरा टोटल कहि देबि श्लोकटा हैला संभव जदि हबो ए श्लोकटा को मु लेखे देबि जे शेयरिंग रे भी आसी जीवो एटा
ତାପରେ ମୁଁ ବୁଝେଇଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟୋଟାଲ ନାହିଁ ତ ଅଳ୍ପ ବୁଝେଇଲା ବେଳକୁ ଫିର ଆଉ ଥରେ କହିବି ଏଇଟା ଶବ୍ଦଟା ରହିଲା। ଇଏ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ମନ୍ତ୍ର, ଯେମିତି ଓମ୍ ସହନା ଭବତୁ ସେମିତି ସନ୍ନୋ ଇନ୍ଦ୍ର ବରୁଣ ସନ୍ନୋ ଭବର୍ତ୍ତରି ୟମ ସନ୍ନ, ଏଇ ସେମିତି ଟୋଟାଲ ବଡ଼ ଶ୍ଳୋକ ଟିକେ ମୁଁ ତାକୁ ସେୟାରିଂ କରେଇବି କାଲି ବୁଝେଇବି। ଓକେ, ଓମ୍ ତ୍ରୟମ୍ବକମ୍ ଯଜାମହେ ସୁଗନ୍ଧିମ୍ ପୁଷ୍ଟିବର୍ଦ୍ଧନମ୍ ଉର୍ବାରୁକମିବ ବନ୍ଧନାତ୍ ମୃତ୍ୟୁର୍ମୋକ୍ଷେ ୟମାମୃତାତ୍। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम् पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम् पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥ କଥା ମୋର ଅଛି 6:30 ରୁ 7:30 କାଲି ମଧ୍ୟ।